नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इसराइल हमास जंग का 17वां दिन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि गाजा में चारों तरफ से हो रही बमबारी के बीच लोग फिर से नॉर्थ गाजा लौटने लगे हैं। उन्हें इसराइल की उन चेतावनियों का डर नहीं है। दरअसल इसराइल ने कहा था कि लोग नॉर्थ गाजा खाली नहीं करेंगे, उन्हें भी आतंकी समझ लिया जाएगा। पिछले 24 घंटे में गाजा में की जा रही इजरायली बमबारी में 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अल जज़ीरा के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में राफा और जाबलिया कैंप समेत 25 जगहों पर भारी बमबारी की है। जाबलिया में अब तक 30 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएँ और बच्चे हैं। वहीं गाजा में रेड के लिए घुसे इजरायली सैनिकों की पहली बार हमास के लड़ाकों के साथ भिड़ंत हुई। बंधक बनाए इसराइलियों को ढूंढने के लिए घुसे सैनिकों पर हमास ने एंटी टैंक मिसाइलें फायर की। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में एक महिला मरीज का ऑपरेशन करने के दौरान उसकी पित्त की थैली में 5 सर्जरी क्लिप मिली है। डॉक्टरों का कहना है कि दुनिया का पहला ऐसा केस है जब गॉल ब्लैंडर के अंदर क्लिप मिली हो, वरना अब तक जितने भी केस सामने आए हैं उनमें पित्त की वाहिनी में क्लिप मिली है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर जीवन कांकरिया ने बताया कि दौसा के बांदीकुई निवासी युवती बार बार पेट दर्द से परेशान थी। युवती ने 2018 में प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाकर लैप्रोस्कोपी के जरिए गॉल ब्लैंडर को बाहर निकलवाया था। उस समय उसके गॉल ब्लैंडर में पथरी डिटेक्ट हुई थी। ऑपरेशन के कुछ समय बाद उसे दोबारा पेट दर्द की शिकायत हुई। 6 महीने से ज़्यादा समय तक परेशान होने के बाद युवती ने पिछले दिनों एसएमएस हॉस्पिटल में दिखाया, जहां उसकी जांचें करवाई गई तो पता चला कि उस गॉल ब्लैंडर का कुछ हिस्सा बचा हुआ है और उसमें एक 6 mm की पथरी है। डॉक्टर कांकरिया ने बताया कि पहले एक बार ऑपरेशन के बाद दोबारा ऑपरेशन करने में काफ़ी समस्याएं होती है, क्योंकि पहले गॉल ब्लैंडर निकालने के बाद गॉल ब्लैंडर की वैन इंजरी होने का खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन युवती की तकलीफ को देखते हुए हमारी टीम ने लैप्रोस्कोपी से ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन आईसीजी तकनीक से करके गॉल ब्लेंडर के बचे हुए हिस्से को बाहर निकाला गया। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप मैच ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे डिज्नी प्लस हॉटस्टार यानी OTT पर रिकॉर्ड 4.3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने लाइव देखा। OTT पर अब तक किसी भी क्रिकेट मैच को इतने सारे लोगों ने लाइव कभी नहीं देखा। भारत न्यूजीलैंड के इस मैच ने इसी वर्ल्ड कप में बने भारत पाकिस्तान के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस मैच को 3.5 करोड़ लोगों ने OTT पर देखा था। हालांकि क्रिकेट की किसी भी फॉर्मेट से तुलना करें तो OTT पर व्यूअरशिप के मामले में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच 2023 का IPL फाइनल तीसरे नंबर पर है। उसे 3.2 करोड़ दर्शकों ने देखा था। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वर्ल्ड कप मैच ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार यानी OTT पर रिकॉर्ड 4.3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने लाइव देखा। राजस्थान में भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव से पहले तक पार्टी अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही थी। इसके बाद जब लिस्ट जारी हुई तो भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। भाजपा की दूसरी सूची जारी होने के बाद घमासान और भी ज़्यादा बढ़ गया है। जयपुर की सांगनेर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अलवर, बूंदी और उदयपुर में पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव कार्यालयों पर धावा बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए रखी गई सामग्री को भी आग के हवाले कर रहे हैं। शनिवार को भाजपा ने 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी। इसके बाद से ही टिकट नहीं मिलने को लेकर घमासान मचा हुआ है। राजसमंद में दीप्ति महेश्वरी का जमकर विरोध हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने उसके ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में CP जोशी के घर पर भी पथराव किया गया। यहां कार्यकर्ता निवर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट काटने का विरोध कर रहे हैं। राजसमंद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दीप्ति को बाहरी उम्मीदवार बता दिया और सड़क पर उतर गए। कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रत्याशियों को टिकट देने की मांग की। कार्यकर्ता कांकरोली रोड स्थित भाजपा के चुनाव कार्यालय पहुंचे और वहां भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष दिनेश बडाला को टिकट देने की मांग करते हुए कार्यालय पर ही धरना दे दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और BJP ने कई सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं।
कांग्रेस ने जोधपुर की सरदारपुरा सीट से सीएम अशोक गहलोत को मैदान में उतारा है। इसके बाद वो सुबह 11 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत के दौरान वो बोले, जिसने मेरी तारीफ की उन्हें बीजेपी ने सजा दी। दरअसल सीएम अशोक गहलोत 2 दिन जोधपुर दौरे पर रहेंगे। यहां शहर के वार्ड पार्षदों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पूर्व उन्होंने एयरपोर्ट पर बातचीत करते हुए कहा, मेरे कारण वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल के साथ सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास को तकलीफ हुई। जीजी को तो सजा दी गई। मीडिया से बातचीत के दौरान सूरसागर से सूर्यकांता व्यास का टिकट काटने पर बोले, जिन्होंने मेरे बारे में तारीफ की और अच्छा व्यवहार किया उन्हें सजा दी गई। अब जीजी को भी सजा मिल गई, उनका क्या कसूर था? मेरे बारे में 2 बार कमेंट कर दिया, आशीर्वाद दे दिया और इसके लिए उन्हें सजा दे दी गई। उनकी उम्र को लेकर वो बोले कि कहते हैं इनकी उम्र हो गई है, इस उम्र में और भी लोग टिकट ले रहे हैं। 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया, क्या उनके पास एक भी कार्यकर्ता नहीं था? ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही रहिए युग चरण के साथ।